तो हेलो नमस्कार दोस्तों, इट्स मी रोहित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उनको हम किस तरह से जो अपनी जीमेल है उसमें सेव करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मतलब किस तरह से जो आपने उसको रिकॉर्ड करते हो। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपकी जीमेल है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, जीमेल ओपन करने के बाद आपको अपनी जीमेल में जाना है। जैसे ही आप अपने जीमेल जिस जीमेल में आप उसको कॉपी करना चाहते हो वहाँ से आप अपने जीमेल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो आपको नीचे जाना है। नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेटिंग, सेटिंग में आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग में जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे आपको यहाँ पर अपनी जीमेल सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप अपने जीमेल सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको ऊपर जो दिख रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपके सामने एक नया पेज रीओपन हो जाएगा। तो चलिए पेज को ओपन होने देते हैं। ये देखिए जो मेरा पेज है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पर अब आपको ये देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड पीपल एंड शेयरिंग, जहाँ पर आपको पीपल एंड शेयरिंग दिखाई दे रहा है ना वहाँ पर आपको जाना है। एंड आपको सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट सेव इन्फॉर्मेशन है इसको ऑन रखना है, जो ये है इसको आपको ऑन रखना है। ठीक है, यहाँ से ऑन कर देना। उसके बाद बैक चले जाना एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस, इसको भी आपको ऑन कर देना है। ठीक है, दोनों को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपको बैक जाना है। तो चलिए हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट, आपको यहाँ क्लिक करना है। तो एक सेकेंड, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जिस कॉन्टैक्ट जिस जीमेल में आप अपना उसका जो फ़ोन नंबर है उसको डालना चाहते हो तो उसको आप करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है। तो मैं अपना पासवर्ड फिल कर दे रहा, तो चलिए एक मिनट लगेगा। यहाँ पर आपकी वो मांगेगा मतलब, उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट आगे नेक्स्ट कर देना है। तो थोड़ा सा वेट लग रहा है, नेटवर्क भी ऐसा ही है, मौसम तो देख रहे हो कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है साली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तो छोड़ते हैं। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है यार। यहाँ से टू स्टेप वेरिफिकेशन कर रहा है यार। तो एक मिनट का वेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही मेरा नेट से मैं आपको वो करता। तो अब देखिए उसके बाद जैसे आपका जीमेल हो जाएगा उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपको अगर आप यहाँ से देखिए, अगर आप क्रिएट ए कॉन्टैक्ट मतलब अगर आप कोई एक नंबर सेव करना चाहते हो मतलब किसी एक नंबर को जो अपने जीमेल में है उसको डालना चाहते हो तो वहाँ पर इसका नाम एंड जो भी नंबर है वो डालने के बाद अगर आप उसको मतलब एक नहीं मतलब जितने भी आपके फ़ोन में सारे कॉन्टैक्ट हैं उनको आप अपने जीमेल में डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड क्रिएट मल्टीपल कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक कर देते हो आपको यहाँ पर अपनी जीमेल जो आपका जीमेल का एड्रेस है उसको फिर से फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको फिर से फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको करने के बाद आपको यहाँ क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट कर देते हो तो ये देखिए नीचे लिखा गया वर्किंग ऐड टू कॉन्टैक्ट, मतलब जो आपके कॉन्टैक्ट है वो वर्किंग में है, मतलब जो आप जीमेल उसमें जा रहे हैं। अगर फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपने जो कॉन्टैक्ट है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जाना है थ्री डॉट पे, थ्री डॉट तो नहीं दिखाएगा आजकल के फ़ोन में, डायरेक्ट सेटिंग दिखाएगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इम्पोर्ट यहाँ पर दिख रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, आपको यहाँ क्लिक करना है एंड नीचे दे रहा है सेंड कॉन्टैक्ट, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर देते हो आपको यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर जहाँ भी आप सेंड करना चाहते हो भेजना चाहते हो आप वहाँ कर देना। तो गूगल या जीमेल, तो यहाँ पर जीमेल में अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर जीमेल क्लिक कर देना। जीमेल क्लिक करने के बाद स्मार्ट ये आ रहा है इसको हटाओ,
उसके बाद यहाँ पर अपनी आप जो अपनी जीमेल है उसको दोबारा फिल कर देना है, तो मैं यहाँ पर दोबारा फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिप भेज देना है। तो यहाँ से आपकी जो जो भी मतलब आपके फ़ोन नंबर हैं वो सब आपकी जो जीमेल है उस आईडी में चले जाएंगे। तो इस तरह से जो आप अपने जीमेल नंबर है उसको आप अपनी आईडी में भेज सकते हो। ये देखिए ये इस तरह से जो आपके जितने भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं आपकी सिम में आपको अपने अब जो भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर वो आपको दिखा दे रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरी जीमेल में एक मैसेज भी आ गई, आपके जो सारे मैसेज हैं वो नंबर हैं वो सब आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड की परमिशन मांगेगा। ये देखिए डाउनलोड हो रहे हैं सारे कॉन्टैक्ट नंबर, तो एक सेकंड का वेट करते हैं। इंपोर्ट, ये देखिए यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ से जाने के बाद आपको अपने जीमेल में इंपोर्ट भी कर देना है, और ये आपकी जीमेल से कभी लाइफ टाइम में डिलीट नहीं होंगे। आपको बस यह करना है आपकी जो आपकी जीमेल है उसका जो आपने नाम रखा है जीमेल का वो आपको याद रखना है, एंड जो आपका पासवर्ड है उसको याद रखना है, ठीक है। तो बस इस तरह से जो आपके कॉन्टैक्ट है वो आपके जीमेल में जाके सेव हो जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तो तकली बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।